हमने इसमें डॉक्सी और चौथा हिस्सा यानी कि हाफ टैबलेट पैनाडोल मिक्स की है, वो जब हम इसको देने लगे हैं तो बाकी बेहतर अल्लाह करेगा। कोशिश करते हैं कि ये, क्योंकि ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये फ्लू का और जो पैनाडोल है वो फीवर की है, तो इसको हो सकता है कि फीवर हो और या इसको फ्लू हो। तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ पे केज में रख दिया सेपरेट, और इसको हमने सिर्फ डॉक्सी और पैनाडोल का जो सीरप है वो यूज़ कराया, हाफ टैबलेट पैनाडोल की थी और एक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन का था। ये रात को ऊपर आए हैं मुर्गी को देखने के लिए कि ये पहले से बेहतर हुआ या नहीं, लेकिन इसके इसकी आँख पर भी साइड पर ये थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ था, इस वजह से शायद इसको हो। ये इसकी शर्क से साफ कर लेते हैं। अगर मुँह खोलना, इसके मुँह के अंदर रेशा बहुत ज़्यादा है, वो देखो, हाँ ये बहुत ज़्यादा। तो इस साइड से करो साफ, अंदर करके ना उसको घुमा देना यार। जब इस पट्टी को घुमाओगे तो ये थोड़ा सा रेशा इसका बाहर आ जाएगा। अब घुमाओ घुमाओ घुमाई जो, अब बाहर निकाल लो, ये आ गया बाहर सारा रेशा, ये देखें फ्रेंड्स। तो हम अब इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम वो देंगे कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन का। ये मैं सुबह ऊपर आया हूँ अभी देखने के लिए अंगस कैसे, ये थोड़ा सा इस तरह होके बैठा हुआ है, सीधे जो बाहर ले आते हैं वो बाहर बैठाते हैं इसको, फिर जो फ्रेंड मुर्गे के लिए कावा बना के लाए हूँ, ये 12 ml है, और इसको मैं पिलाऊँगा। शायद इसका जो रेशा बहुत ज़्यादा आ रहा है रात से, बल्कि कल शाम से, तो कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो इंजेक्शन था, ये जो शानदार का जो कावा जिसको बोलते हैं, ये इसको मैंने पिला दिया। ये थोड़ा सा अंदर से ये था हल्का सा माइनर सा वो गर्म था, तो वो मैंने इसलिए इसको पिलाया था कि इसके गले से जो रेशा वो नीचे उतर जाए। साथ ने कब से कुछ भी नहीं खाया। ये चने देखें, ये वाले, ये मैं 10 से 12 दाने इसको खिला दूंगा ताकि ये जो चने हैं ये भी रेशा खुश्क करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर पहले इसको कावा बना के लेके गया था, और अब मैं इसके लिए सीरीलैक बना के लाया हूँ। देखें ये सीरीलैक, इसमें मैंने सिंक में भर दिया, और ये सीरीलैक पर बना हुआ है, और ये कैप्सूल है एवियन का, ठीक है, ये विटामिन ई है। तो ये मैं इसको दूंगा, साथ थोड़े से चने दूंगा, भूजे चने जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, तो वो 8 से 10 दाने वो दे के ऊपर से ये मैं पिलाऊंगा ताकि वो नीचे चले जाए, क्योंकि रेशा काफ़ी है। उसके बाद हम इसको इंजेक्शन लगा देंगे। तो बहुत उम्मीद है कि ये पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इसका गला साफ़ किया, ये देखें एंड तक इसका ये रेशा ही है, और ये मैंने अंदर जाके इसको घुमाया इसके गले में। तो ये अब मैं इसको उसको चने और इवन कैप्सूल दूंगा ताकि ये आराम से अंदर चले जाए। ठीक है अंगज, कैसे हो आप? ठीक हो? ये बेहतर है, और ये मैं इंजेक्शन इसको लगाने लगाऊँ। और ये जब भी आपने लगाना है, लेफ्ट हैंड से मुर्गे को पकड़ना है, और राइट साइड पे मुर्गे का दिल होता है, आपने लेफ्ट साइड पे हमेशा इंजेक्शन लगाना है, और इस जगह लगाना है, ये सीने की हड्डी है, और इस जगह इस गुलाई हिस्से में, ये देखिए ये इंजेक्शन पकड़ा है, और ये लिंकोमाइसिन और वो टैक्स है, इन दोनों की ये मिक्स है, ठीक है, ये स्लो स्लो इंजेक्ट करना है ताकि मुर्गे को तकलीफ भी ना हो, वो इंजेक्शन आराम से लग भी जाए। और फिर आपने इंजेक्शन लगाने के बाद इसको रब करना है ताकि ये अच्छी तरह गोश में लग जाए। और अभी इंजेक्शन लग चुका है तो ये मुर्गा थोड़ा सा नींद में आएगा, क्योंकि शाम को हमने लगाया, और ठंडे मौसम में लगाना है, गर्मी में लगाना नहीं, ताकि इसको फील भी ना हो। देखिए आराम से इसको फील भी नहीं हुआ बिल्कुल, और अभी इजाज़त दें, शाम हो गई है, सुबह टाइम इसको खा लो। और जो ये लेग्स पे अभी तक नहीं खड़ा हो पा रहा, तो मैथिक पॉल इंजेक्शन इसको यूज़ करेंगे तो ये इंशाल्लाह वो भी इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो अभी काफ़ी इसने इम्प्रूवमेंट की है, तो मेरी दुआएँ हैं कि ये
आप भी दुआ करिएगा कि ये बस कि ये सेहत याब हो जाए। और मैं काफ़ी परेशान हूँ, ये देखें अभी बस गिरता है, इसको पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो जब ये ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, तो अंगस मुड़ गया आज माशाल्लाह से चौथा दिन है, और उसकी आप कंडीशन देख लें। इसका हमने ट्रीटमेंट तकरीबन 6 दिन करना है, और यह चौथा दिन है। 3 दिन हमने इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया, वो लिंकोमाइसिन का और साथ डेक्सामेथासोन वो यूज़ करवाया 3 दिन, और उसकी जो कंडीशन है वो आपके सामने। अकील आ रहा है ताकि वो कैमरा पकड़ेगा, फिर मैं इसको इंजेक्शन लगा दूँगा, और अभी मैंने उसमें ऐड भी करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये देखें, ये बिल्कुल भी अपनी टांगों पे चल फिर रहा है।